ये नन्ना बच्चा, इसको बच्चा मत समझिए, पहलाज हसन इसका नाम है। मशहूर टीवी के एंकर सैयद इकरारुल हसन साहब के ये साहबजादे हैं, अब ये उनकी पहचान बन चुके हुए हैं। फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल हो जो आप जानना चाहते हो तो पहलाज को पता है। कहां कहां पे ये जाके खेला हुआ है, किस किस प्लेयर के साथ खेला हुआ है, क्या क्या इसकी हॉबीज हैं, आज पहलाज से जानने की कोशिश करते हैं। पहलाज ये बताएं कि फुटबॉल का आपको ईची बीची का पता है, फुटबॉल के स्पेलिंग क्या है? अच्छा हाँ, FUTBOOL। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है। दुनिया के किन किन ममालिक में जाके फुटबॉल खेल चुके हुए हैं अभी तक आप? वेरी गुड क्वेश्चन। इंग्लैंड, USA, फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल, अर्जेंटीना, ये सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें मैंने फुटबॉल नहीं खेली अभी तक। भाई आपने खेला कहाँ है फिर? रेवाड़ी में, उकाड़ा में, लाहौर में, तो अभी इंशाल्लाह बाहर जाके खेलेंगे कभी ना कभी। दुनिया में फुटबॉल के बड़े बड़े नाम हैं जिनमें इंजमामुल हक है, कायद अफरीदी है, वसीम बदामी है, इकरारुल हसन साहब हैं। इनके अलावा आपने और किन बड़े नामों के साथ खेला हुआ है? रोनाल्डो, मेसी, नेमार, एम्बाप्पे, हालैंड, ये सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने अभी खेला नहीं है। आपने किसके साथ खेला? ये मैं अपने साथ ही खेलता हूँ। फुटबॉल के अलावा हमें बताया गया कि आपको खाने का बड़ा शौक है, खाने के बारे में जरा बताइए क्या है? यार मुझे हर चीज पसंद है, स्पेशली बाहर का खाना, घर का भी खाना खा लेता हूँ। अच्छा, अब जब बनाने की बात की जाए तो उसमें क्या क्या? सैंडविचेस, बर्गर्स, पिज्जा, कड़ाही, कोरमा, बिरयानी, पुलाव, ये सारी ऐसी डिशेज है जो मुझे बिल्कुल नहीं बनानी आती। आपको बनाना क्या आता है भाई? अंडे, गरम अंडे, ठंडे अंडे, बॉइल्ड अंडे। ये तो पहलाज के साथ होगी, ऑन द लाइटर नोट पे बातें। अभी पहलाज साहब आप बताएं कि फुटबॉल में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? मैं अभी एक ऐसे गार्डन्स का कैप्टन हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मन के लिए गोली खेलता हूँ। मैं काफी गोली खेलते हैं, गोली करवाते हैं। गोलकीपर, अच्छा गोलकीपर को गोली कहते हैं? हाँ गोली, शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने काफी अवार्ड जीते हैं, मेडल्स, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वीक, प्लेयर ऑफ द मंथ। पाकिस्तान में फुटबॉलर जो है उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हमने वर्ल्ड कप में देखा, तो ये टैलेंट सामने क्यों नहीं आता है? फर्स्ट रीजन तो ये है कि हर मुल्क में आप जाएं जहाँ फुटबॉल का थोड़ा बहुत भी शौक है, तो वहाँ ऐसी अकेडमीज जो ट्रायल्स लेती हैं जो कि प्रमोट करती हैं अपने आप को। जिस तरह रिसेंटली अभी दुबई का एक क्लब था TFA, वो पाकिस्तान आए थे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वो ट्रायल्स लेकर 7 प्लेयर सेलेक्ट करके अपने साथ दुबई लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिस तरह लियारी के बॉयज हैं, एक्सेप्शनल प्लेयर्स, मैंने उनके साथ खेला हुआ है, बहुत अच्छी टेक्निकल एबिलिटी है उनके पास। ऑब्वियसली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि फुटबॉल फेडरेशन जो है वो क्या कर रही है? एक तो भाई आधे से ज़्यादा आवाम से पूछूंगा, उनको पता नहीं होगा कि हमारी फुटबॉल फेडरेशन है या नहीं, क्योंकि कुछ करती नहीं है। हमारे पास बहुत कम फुटबॉल पिचेस है जिन पे खेला जा सके। पहलाज साहब, आपके बारे में हमने ये सुना है कि फुटबॉल का कोई भी सवाल हम आपसे करें तो आप हमें मायूस नहीं करेंगे। चलें मैं आपसे पूछता हूँ कि रोनाल्डो जो है वो उनकी कितनी शादी है? उनकी शादी अभी तक नहीं हुई टेक्निकली। बच्चे कितने हैं? आई थिंक 5 या 6। रोनाल्डो कहाँ पैदा हुआ था? रोनाल्डो मडीरा में पैदा हुआ था, पोर्टुगल। फ्रांस के कैप्टन का क्या नाम है इस वक्त? ह्यूगो लोरिस। ब्राजील के कप्तान का क्या नाम? मार्किनियस भी कभी उनका कैप्टन होता है, कभी थियागो सिल्वा भी होता है, पहले नेमार था, अब उसने कैप्टनसी छोड़ दी। अच्छा ये बताएं, रोनाल्डो को जब उन्होंने खरीदा था, अभी अल नसर ने खरीदा, अल नसर से पहले रोनाल्डो कितने में बिका था? 13.5 मिलियन यूरो। एक प्लेयर था काका, काका कितने में बिका था अपने क्लब को आखिरी? आई थिंक 89 मिलियन के करीब। लीगों के नाम बताएं, कौन कौन सी बड़ी लीग है? फ्रांस की लीग, स्पेन की ला लीगा, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, जर्मनी की बुंडेसलीगा, और कौन कौन सी सीरी आ? फ्रॉम इटली। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? मैन सिटी। सबसे बेस्ट खिलाड़ी हमारा? अर्लिंग हालैंड या डी ब्रुइन। ये कितने में बिके हैं? डी ब्रुइन को हमने लिया था 55 मिलियन, और हालैंड की रिलीज क्लॉज भी हमने 55 मिलियन ही पे की थी। दुनिया का सबसे बेस्ट गोलकीपर? मैनुएल नोयर फॉर मी। दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर? रोनाल्डो इज माय आइडल, बट मेसी इज अ बेटर प्लेयर। सो मेसी इज अ बेटर प्लेयर, यस मेसी। ठीक है, अगर आप दुनिया के फुटबॉल में अपना नाम बनाना चाहेंगे तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? मैनुएल नोयर। फुटबॉल का वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास सबसे महंगी गाड़ियां? रोनाल्डो, सबसे ज्यादा गाड़ियां, सबसे महंगी। बेस्ट स्पेनिश खिलाड़ी का नाम बताएं? डेविड विया। बेस्ट गोल किसने कब किया, आपका फेवरेट? ज्लैटन इब्राहिमोविच वर्सेस इंग्लैंड, उसने कुछ 40 यार्ड से बाइसिकल किक मारी थी। और ये रोनाल्डो ने भी तो इस तरह की मारी थी? इस तरह की मारी थी, लेकिन रोनाल्डो कहता है एक इंटरव्यू में, उसने कहा था कि यार ये नहीं कि मैंने मारी है, ये है किक सबसे अच्छी। अच्छी थी, लेकिन आई थिंक ज्लैटन की क्योंकि इतनी ज्यादा रेंज थी, और ऊपर से उस वक्त ज्यादा बूढ़ा था रोनाल्डो से। ये बताएं, आप ये जो फुटबॉल को भगाते फिरते हैं, आपको कभी तरस नहीं आया इस बेचारे पे? 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, 11 उधर हैं, 22 एक छोटे से बच्चे को मार रहे हैं। इसकी जॉब ही है, क्या कर सकते हैं, ठुड्डे खाना, ठुड्डे खाना इसकी जॉब है। आपको अब कभी आपकी अम्मी ने फुटबॉल समझाओ? नहीं। ये जो यूं करके करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कीपी अप्स भी कह सकते हैं, जगलिंग भी बोल सकते। हाँ जगलिंग ही, तो मैं तो कर लेता हूँ 4-5 हज़ार तो मैं आप। अब जरा मैंने खाना खाया हुआ, आप जरा कर रहे हैं 4-5
छः। ओह नो। पहलाज हसन से हमने जो गुफ्तगू की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पहलाज, आपने माशाल्लाह इतनी सक्सेस हासिल कर ली छोटी सी उम्र में, आप टीवी पे भी आते हैं, रमजान ट्रांसमिशन में भी और भी मुख्तलिफ सारे शोज में जाते हैं, आपके वालिद बहुत बड़े एंकर हैं, आपकी वालिदा एंकर हैं माशाल्लाह, तो आपने सोचा था कि यार इतनी कामयाबियों के बाद कभी जो है ना मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा डेली पाकिस्तान? मेरी करियर का सबसे डाउन वाला मोमेंट है, लेकिन चल अब क्या कर सकते, करना तो